हेलो स्टूडेंट्स आई एम मुफ्ती साहब फ्राम इज लर्निंग सेंटर एंड वी आर ऑन दैप्टर एंड फ्लेम एंड टूडे इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बिफोर डेट फर्स्ट वी विल सी सम हिस्ट्री ऑफ मैस्टिक ओके तो हिस्ट्री ऑफ मेस्टिक तो हमें पता ही होना चाहिए क्योंकि हमने मेस्टिक बहुत ही यूज की है और हमें उसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं है तो पहले जान लेते हैं मैस्टिक के बारे में

ओके okay, और बहुत ही सिंपल सी है जो वो दिखती है वो ही उसके डेफिनेशन में लिखना है अ सॉर्ट थी पीस ऑफ वुड हैविंग केमिकल्स कोटेड एट वन एंड व्हिच इज यूज्ड टू लाइट अ फायर बाय रबिंग अगेंस्ट अ रफ सरफेस ओके तो इसको कहते हैं मैस्टिक नाउ द हिस्ट्री ऑफ मैस्टिक इज वेरी ओल्ड अबाउट 5000 इयर्स अगो स्मॉल थीन पीसेस ऑफ वुड डिप्ड इन सल्फर एट वन एंड फर्स्ट टाइम ये वुड का एक पीस होता था उसका एक एंड सल्फर में डिप करते थे एंड देन यूज इट एज अ मेस्टिक तो ये सल्फर को फोकस में रखना ध्यान में रखना द मॉडर्न सेफ्टी मैच और मेस्टिक वॉज डेवलप ऑनली अबाउट टू हंड्रेड अगो तो ये पहले इजिप्ट के लोग ऐसे यूज करते थे लेकिन जो अभी हम यूज कर रहे हैं वो मॉडर्न सेफ्टी वो जस्ट टू हंड्रेड पहले ही डेवलप हुई है अर्लीयर मिक्सचर ऑफ एंटीमोनी ट्राई सल्फाइड पोटेशियम क्लोरेट एंड वाइट फॉस्फरस सम ग्लू एंड स्टार्च वॉज अप्लाइड टू हेड ऑफ अ मेस्टिक मेड ऑफ सुटेबल वुड तो ये केमिकल्स है जिसका कॉम्बिनेशन यूज किया जाता था मेस्टिक का हेड बनाने के लिए तो ये नाम आपको याद रखने होंगे ओके okay, एंटिक नाम है दो तीन बार लिखोगे ध्यान से उसकी स्पेलिंग लिखोगे तो आपको नाम भी आसानी से याद हो जाएंगे एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोरेट एंड व्हाइट फॉस्फरस विथ सम ग्लू एंड स्टार्च तो ये यूज होता था मेस्टिक का हेड बनाने के लिए व्हेन दी हेड ऑफ दिस मेस्टिक वाज रब अगेंस्ट अ रफ सरफेस व्हाइट फॉस्फरस गॉट इग्नाइडेड ड्यू टू द हीट ऑफ फ्रिक्शन दे स्टार्टेड द कंबशन ऑफ मेस्टिक तो फॉस्फरस जो है इसमें वो इग्नाइट करने में सपोर्ट करता था जैसे ही फ्रिक्शन होता था वो जलना शुरू हो जाता था वाइट पॉइजनस बट ये जो वाइट फॉस्फरस होता है ना वो बहुत ही पॉइजनस होता है सो द यूज ऑफ इन मेकिंग प्रोवाइड टू बी डेंजरस फॉर दर्कर्स एंगेज इन मेकिंग मेस्टिक्स एज वेल एज फॉर द यूजर्स तो दोनों के लिए ये डेंजरस है क्योंकि वो पॉइजनस है अगर जो वर्कर है जो मेस्टिक बना रहे हैं उनके हाथ तो कंटिन्यू इसी केमिकल्स में रहने वाले हैं और गलती से भी अगर वो टच हो गया उसके टंग पे या फिर बॉडी में किसी तरह चला गया तो वो डेंजरस है पॉइजनस है तो ये दोनों के लिए हार्मफुल है वर्कर्स के लिए भी और यूजर्स के लिए भी तो इसका यूज बैन कर दिया गया दिसड ऑफ मेस्टेक कंटेन्स ऑनली एंटीमोनिक ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट द रफ

ओके okay, तो ये थोड़ा शांति से समझ लीजिए तो आसानी से पता भी चल जाएगा देखिए अभी जो मैस्टिक हम यूज करते हैं उसके हेड पे क्या क्या है कौन सा केमिकल है तो उसमें है एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट ये दो तो है ही है ओके okay, हेड में और ग्लू एंड स्टार्च तो है ही हम केमिकल की के बात कर रहे हैं तो केमिकल में एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट है ओके okay, अभी उसमें जो व्हाइट फॉस्फोरस ऐड किया जाता था वो बंद कर दिया गया है उसकी जगह पे मैच बॉक्स के ऊपर जो रबिंग सरफेस होती है रफ सरफेस उसके अंदर रेड फॉस्फरस थोड़ा सा डाल दिया जाता है अब होता क्या है जैसे ही हम फ्रिक्शन करते हैं ना तो वो रेड फॉस्फरस थोड़ा सा जहाँ पे फ्रिक्शन हुआ वहां से वो व्हाइट में कन्वर्ट होके जलना शुरू कर देगा जैसे ही वो जलेगा मतलब वो जलना शुरू कब करेगा जब वो पोटेशियम क्लोरेट के साथ रिएक्ट करेगा तो फ्रिक्शन पोटेशियम ओके, वो प्रोड्यूस करेगा हीट इग्नाइट होगा एंड देन वो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड को इग्नाइट करना शुरू करेगा और ये काम बहुत ही कम सेकेंड्स में हो जाता है और हमें मेस्टिक हमारी बर्न होने लगती है मेस्टिक का हेड जलने लगता है जिससे हम बाकी कोई चीज को अगर फायर क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं ओके okay. तो इतू सा है हिस्ट्री ऑफ मेस्टिक लेकिन इसमें जो केमिकल्स के नाम है वो आपको ध्यान से याद रखने होंगे दो तीन बार आप लिखोगे प्रॉपर कॉन्सेंट्रेटेड माइंड से उसकी स्पेलिंग लिखोगे तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा ओके okay. नाउ हाउ डू वी कंट्रोल फायर तो आपको पता है कि अभी अभी तो आपने बहुत ही सुना होगा कि यहाँ पे आग लग गई वहां पे आग लग गई तो बिल्डिंग ऑन फायर कोई फैक्ट्री में आग लग जाती है बहुत सुना होगा आपने तो वो फायर जो लगती है वो इतनी डेंजरस होती है कि देख के ही हमने हमें डर लग जाता है तो उसको कंट्रोल कैसे करेंगे तो हमें ये तो सीख ही लेना चाहिए कि उसको कंट्रोल कैसे करे बर्निंग और कम्बस प्रोड्यूस फायर फायर इज यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल एब्सोलटली जो भी चीजें उसकी दो दो पासे होते ही है जितना यूजफुल होता है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज होती है जो कि हार्मफुल हो वी मेक स्मॉल फायर इन अ टू कुक फूड तो वहां पे यूजफुल है विदाउट फायर वी कैन नॉट कुक गो फूड बट व्हेन अ फायर ब्रेक्स आउट इन अ हाउस एन ऑफिस अ फैक्ट्री एन ऑयल टैंकर अ पेट्रोल पंप और एन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट देन द फायर इज हार्मफुल इट कैन कॉज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी सच फायर मस्ट बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल एंड एक्सटेंज यूज एट दी अर्ली एस तो ये बहुत ही डेंजरस हो सकती है वो सामान को तो नुकसान पहुंचाएगी, पहुंचाएगी। ही पहुंचाएगी प्रॉपर्टी को लॉस होगा ही होगा लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसमें जान भी जा सकती है लाइफ का भी लॉस हो सकता है सो so, इसको कंट्रोल में करना बहुत ही जरूरी है द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रिंग यूजिंग अ फायर इज कॉल्ड फायर फाइटिंग और जो फायर एक्सटिंग यूजिंग की प्रोसेस है उसको कहते हैं फायर फाइटिंग फायर के साथ फाइट नहीं करना है लेकिन इनडायरेक्टली हम फाइट ही करते हैं उसको स्टॉप करने की ट्राई करते हैं एक्सटिंग यूज करने की ट्राई करते हैं और वो ज्यादा से ज्यादा जलने की ट्राई करती है तो वी आर फाइटिंग विथ फायर एवरी सिटी एंड टाउन हैज अ फायर सर्विस इन दम ऑफ अ फायर ब्रिगेड स्टेशन आपको पता ही होगा हमारे यहाँ कहाँ पे है और नहीं पता है तो जान लेना बहुत ही जरूरी है ओके फायर ब्रिगेड स्टेशन हमारे यहाँ होता ही है फायर फाइटर्स ऑफ फायर ब्रिगेड स्पेशलाइज इन पुटिंग आउट फायर तो उनको ये आ जलती हुई आपको कैसे एक्सटिंग करना है वो उनको अच्छे से आता है वो उनमें ट्रेन हुए होते हैं फायर फाइटर्स दंबर ऑफ फायर सर्विस इन डेल्ही इज वन जीरो वन God forbid, if a fire breaks out in our house or in our neighborhood, we should at once call the fire service. तो so, जैसे ही आपको दिखे कि कहीं पे heavy आग लग गई है, तो आपको तुरंत ही fire service station में call कर देना चाहिए. We should also know how fire is caused and what are the different ways of fire fighting or putting out fires. Okay, तो देखिए अभी वो फायर फाइटर्स को हम कॉल करेंगे फायर सर्विस स्टेशन शायद हमारे घर से बहुत दूर हो या जहाँ पे आग लगी हो वहां से बहुत दूर हो तो वहां से उनको आने तक टाइम लगेगा और उतने टाइम में और भी ज़्यादा जलना शुरू हो जाएगा और देखिए अगर ये फ्लोर पे आग लगी है तो ऊपर के सारे फ्लोर में लग जाएगी नीचे भी लग सकती है तो वो बढ़ती जाएगी उससे अच्छा है कि थोड़ी थोड़ी चीजें तो हमें भी पता हो जाए कि कैसे ये आग लगी है और उसको कैसे हम स्मॉल uh, डाउन मतलब हम पूरा कंट्रोल अगर ना भी कर पाए तो लेकिन उसको बढ़ने से रोक तो सके ओके okay, तो इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए वो हम थोड़ा सा सीख लेते हैं इस चैप्टर में तो नीड्स थ्री थिंग्स टू बी प्रेजेंट तो ये हमने पहले ही देखा है कि कंपलसन क्या नेसेसरी चीजें है जो फायर के लिए कंपलसरी है कम्बसन के लिए फ्यूल चाहिए कम्बस्टेबल सब्सटेंस एयर चाहिए एज एन ऑक्सीजन सपोर्टर ऑफ कम्बसन एंड हीट इग्निशन टेम्परेचर चाहिए उसको तो ये तीन चीजें बहुत ही जरूरी होती है इफ़ एनीस थ्री थिंग्स इज विल स्टॉप एंड फायर विल हमें करना सिर्फ सिंपली एक ही चीज है कि इन तीनों में से किसी एक को बंद कर दो किसी एक का आ, किसी एक को भी हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं तो जो आग लगी हुई है वो स्टॉप हो जाएगी कैसे? तो फर्स्ट है बाय रिमूविंग हीट कम हो जाए टेम्परेचर डाउन चला जाए टेम्परेचर जैसे ही डाउन चला जाएगा उसका इग्निशन टेम्परेचर रीच नहीं कर पाएगा और वो जलना बंद कर देगी बाय कटिंग ऑफ एयर सप्लाई टू द बर्निंग सब्सटेंस क्योंकि आपको पता ही है कि ऑक्सीजन उसका फूड है के लिए फूड है कौन? ऑक्सीजन तो उसको ही बंद कर कार्बन डाइऑक्साइड उसके ऊपर तो डाल दिया जाता है आप बोलोगे हम खिस्से में थोड़ी लेके घूमते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो हा भाई कोई नहीं घूमता कार्बन डाइऑक्साइड खिस्से में लेके लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग फायर एक्सटिंग आते हैं जो उसके ऊपर दाल देने से, देने से, स्प्रे कर उसका ऑक्सीजन के साथ का कांटेक्ट टेम्पररी बंद हो जाता है और जैसे ही ऑक्सीजन का कांटेक्ट क्लोज हुआ कट हुआ वो आग जलना बंद कर देगी ओके देखते हैं डिटेल में सबको फर्स्ट है रिमूव, डी फ्यूअल और कम्बस्टेबल सब्सटेंस

तो ना करें नारायण लेकिन कभी अगर आग लग भी गई तो आपको ये सब पता होगा कि कौन कौन सी चीजें जल्दी जलेगी तो उनको वहां से हटा दिया जाए मतलब कि अगर किचन में आग लगी है तो वहां से जो जो भी नजदीकी कम्बेटेबल सब्सटेंस है उन सबको वहां से स्पीड में हटा दिया जाए आप नहीं जलो उस तरीके से विथ सेफ्टी ओके इफ पॉसिबल कुकिंग गैस सिलेंडर शुड बी रिमोव एंड इलेक्ट्रिसिटी शुड बी स्विच ऑफ तो ये काम तो हम कर ही सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑफ करने के लिए हम बाहर मेन स्विच को ही बंद करेंगे ना ओके सेकंड सिलेंडर अगर कुकिंग गैस का सिलेंडर है घर में तो उसको वहां से पहले ही निकाल देना चाहिए बंद करके निकाल देना चाहिए रिमूव कर देना चाहिए लेकिन मुझे पता है कि जहां तक आग लगती है उसमें 90 टू 95 केसेस में ऐसा होता है कि ये सब निकालने का चांस मिलता ही नहीं है लेकिन ये तब की बात है कि आग जस्ट अभी शुरू ही हुई है और ज्यादा फैली नहीं है तब तो आप ये कर सकते हो ना अगर तब भी ये नहीं किया तो आग पूरे घर में लग जाएगी शायद आसपास वालों को भी जला देगी ओके okay, तो ये तब की बात है जब अभी जस्ट स्टार्ट हुई है फायर इफ द फायर इज नियर अ पाइल ऑफ वुड दैट कुड प्रोवाइड फ्यूल टू द फायर गोइंग द पाइल ऑफ वुड सुड बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर सो एज सून एज पॉसिबल तो अगर पाइल ऑफ वुड घर में ऐसा कोई वुडी चीज है जो जल्दी से जल सकती है उसको वहां से जल्दी से निकाल देना चाहिए इट इज एवर यूजस्टेबल मटीरियल तो प्लेस ऑफ फायर पर से ये सब हटा देना इतना आसान नहीं होता है जितना कहा गया है लेकिन मैंने बोला आपको कि ये हर वक्त यूज नहीं होता है हाँ जब जस्ट आग लगना शुरू हुई या फिर आग जहाँ पे लगी है उससे हम थोड़ा दूर है हमारे लिए सेफ है वहां पे जाना तो ही हम ये सब चीजें हटाएंगे लेकिन पहली चीज कौन सी हटाएंगे जो कम्बस्टिबल है ओके okay, और जो आग के नजदीक है तो नजदीक वाली सारी कंबस्टिबल चीजें हटा देनी चाहिए रिमूव द हीट हीट रिमूव करना है वाटर इज यूज टू रिमूव हीट फ्रॉम बर्निंग सब्सटेंस एंड टू मेक इट टू कूल टू बर्न फर्दर तो हम हीट रिमूव करना मतलब हीट हम हटा नहीं सकते लेकिन उसका टेम्परेचर डाउन कर सकते हैं यूजिंग वाटर ओके okay, तो उस उसपे डाल दे डाल के हम उसका टेम्परेचर टेम्पररी डाउन कर देते हैं ताकि वो जलना कंटिन्यू ना रखे वॉटर इज द मोस्ट कॉमन फायर एक्सट्रेंज फॉर ऑर्डिनरी फायर वॉटर एक्सट्रेंज फायर बाय कूलिंग द बर्निंग सब्सटेंस तो बर्निंग सब्सटेंस को कूल cool करके कंबस्टेबल सब्सटेंस को कुल cool डाउन करके फायर को एक्सट्रेंज कर देता है

जो बर्निंग मटेरियल है उसके ऊपर वो कवर हो जाएगा ताकि ऑक्सीजन का कांटेक्ट भी कट हो जाए दिस आल्सो हेल्प्स इन और अदर बिल्डिंग्स वाटर वर्क्स एज अ फायर एक्सटिंग्विशर ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर एटसेट्रा ऑन फायर तो जब वुड एंड पेपर जैसी चीजें फायर

एक्सटिंग तो नहीं होगी लेकिन और ज्यादा फैलेगी कैसे समझ लेते हैं हम डिटेल में ताकि आप ये गलती ना करो कभी भी दी फायर प्रोड्यूस बाई पेट्रोल लाइक फायर इन फ्राइंग पैन ऑयल टैंक्स पेट्रोल पम्प एंड एयरपोर्ट एक्सेट्रा कैन नॉट बी एक्सटिंग यूज बाई यूजिंग वॉटर दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन वॉटर इज हेवियर देन ऑयल एंड पेट्रोल ये तो हमें पता है वॉटर की डेंसिटी ऑयल एंड पेट्रोल से ज्यादा होती है तो ऑयल या पेट्रोल वो वॉटर के ऊपर फ्लोट करेगा

और वहां पे आपने देखा होगा कि बहुत सारी सैंड फिल की हुई बकेट्स लाइन में रखी होती है रेड कलर की देखी है आपने अगर ना देखी हो तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी पापा के साथ पेट्रोल पंप पे जाओ ना तो आप वहां पे थोड़ा सराउंडिंग में नजर कर देना आपको वहां पे दिख ही जाएगी ओके तो वहां पे क्या रखा जाता है बकेट फुल ऑफ सैंड दिखेगी आपको क्यों सैंड है ना वो पेट्रोल के ऊपर बैठ जाएगी और उसका ऑक्सीजन के साथ का कॉन्टेक्ट कट कर देगी ताकि फायर आसानी से एक्सटिंग हो सके क्योंकि वहां पे वॉटर नहीं चलेगा ओके नाउ द फायर कॉज बाय इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट इन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस और इन इलेक्ट्रिक वायरिंग शुड नॉट बी बाय थ्रोइंग वॉटर ध्यान रखना ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए भी और एग्जाम के लिए भी दिस इज बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन ऑर्डिनरी वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू सम एक्सटेंट आपको पता ही है कि जो ऑर्डिनरी वाटर है वो क्या है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है ओके okay, इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट करेगा सो वेन वॉटर इज श्रोन ओवर दी बर्निंग इलेक्ट्रिकल अप्लायसेज इट कैन गिव इलेक्ट्रिक सॉक टू दर्सन इन्वॉल्व इन फायर फाइटिंग तो जितने भी फायर फाइटर्स है उनको शॉक लग सकता है दस वाटर कैन नॉट बी यूज फायर बाई इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रिसिटी से भी आग लगी हो तो आप ये यूज नहीं कर सकते ओके नाउ कट ऑफ एयर सप्लाई एयर सप्लाई कट करना है हमें कैसे मैनी फायर कैन बी एक्सट्रिंग यूज बाई कटिंग ऑफ एयर सप्लाई टू बर्निंग सब्सटेंस मैक्सिमम फायर इसी लॉजिक पे काम कर रहा है मतलब जितने भी फायर एक्सटिंग यूजिंग है एक्सट्रिंग यूजर है वो सारे इस लॉजिक पे ज्यादा काम करते हैं क्योंकि ऊपर वाले दो आपको पता है एवरी टाइम वर्क नहीं करेंगे नाउ no. और कई बार तो क्या लग, होता है पता है आपको कि आग लग गई फायर हो गई फायर कॉज हो और हमें पता भी नहीं चलता कि किस वजह से लगी है अगर आपको पता ही नहीं है कि वो अंदर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से आग लगी हुई है या किसी और तरीके से तो आप उसके ऊपर वाटर डालो या ना डालो कंफ्यूज हम पता ही नहीं कर पाते ना कि वहां वाटर डालना सेफ है या नहीं

द इलेक्ट्रिकल फायर आर एक्सटिंग कार्बन डाइऑक्साइडर है उसको बुझाने के लिए यूज होता है कार्बन डाइऑक्साइड इज डेंड एयर एंड फॉर्म ले बर्निंग सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड लेवर्स दी फायर लाइक अ ब्लैंकेट ड्यू टू विच फ्रेशन नॉट रीच दी बर्निंग सब्सटेंस बर्निंग सब्सटेंस डॉट गेट ऑक्सीजन ऑफ एयर एनहेंस स्टॉप बर्निंग बर्निंग वो स्टॉप कर देगा क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड कवर कर देगा बर्निंग सब्सटेंस को तो ऑक्सीजन तो कॉन्टेक्ट में आ ही नहीं पाएगा और अगर ऑक्सीजन कॉन्टेक्ट में ना आ पाए तो सपोर्टर ही नहीं है तो आग जलेगी कैसे वो तो बुझ ही जाएगी इन दिस वे दायर गेट्स एक्सट्रिंग प्लीज नोट डेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना इधर बर्न्सल्फ नॉट सपोर्ट दर्निंग तो वो कम्बसन को सपोर्ट भी नहीं करता और वो खुद भी नहीं जलता इसलिए वो फायर एक्सट्रीग्यूशन के लिए काम आता है एन एडेड एडवांटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज दैट इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और सबसे बड़ा फायदा ये है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को वो हार्म नहीं करता है दी फायर कॉज बाई दर्डिंग ऑफ इनफिलेबल मटीरियल्स लाइक ऑयल और पेट्रोल आर ऑल्सो एक्सटिंग कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाला फायर एक्सटिंग यूजर पेट्रोल पंप को भी काम लगता है ऑयल फैक्ट्रीज को भी काम लगता है क्योंकि वो क्या करेगा ऑक्सीजन का कांटेक्ट कट कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड यूज फॉर एक्सटिंग फायर कैन बी स्टोर एज अ लिक्विड एट हाई प्रेशर इन सिलेंडर कॉल्ड फायर एक्सटिंग यूजर्स रिलीज फ्रॉम दिलेंडर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपायर एंड इन वॉल्यूम एंड कुल्स डाउन in this way carbon dioxide not only forms a blanket around the burning substance it also cools down the burning substance so dono hi kaam karega wo burning substance ko cool down karega taki uska ignition temperature down chala jaye and most important wo blanket cover कर देगा blanket की तरह burning substance को cover कर देगा ताकि वो oxygen के contact में ना आए दोनों चीजें हो गई तो फायर तो क्लोज होना ही है दिस मेक्स कार्बन डाइऑक्साइड एन एक्सलेंट फायर एक्सटिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज अक्सलेंट फायर ध्यान में रखना अनदर वे टू ऑपटेन कार्बन डाइऑक्साइडिंग टू रिलीज अफ ड्राई पाउडर ऑफ केमिकल्स लाइक सोडियम बाई कार्बोनेट बेकिंग सोडा और पोटेशियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट ओवर दी फायर तो ये दोनों केमिकल भी फायर के ऊपर डाल दिया जाए ना तो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो जाएगा वहां पे बहुत सारा और ऑक्सीजन का कॉन्टेक्ट कट हो जाएगा दीट ऑफ फायर डीकम्पोज दिस केमिकल्स टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो ये दोनों कंपोनेंट फायर की वजह से हीट की वजह से डीकम्पोज होंगे सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट और क्या होगा उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगा एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड एक्सट्रिंग यूज इज फायर ओके तो ये है ना ऑप्शन में यूज होता है बाकी तो सबके पास अभी एक्सट्रिंग अवेलेबल होता है अ स्मॉल फायर कैन बी बाय थ्रोइंग सैंड ओवर इट

तो फायर ब्लैंकेट एक तरीके का ब्लैंकेट आता है जिस जिसका मटेरियल जो है वो यूनिक होता है वो जलता नहीं है तो जब भी किचन में आग लगे तो वो उसके ऊपर डाल देना चाहिए ताकि फ्राइंग पैन के ऊपर तो वो जलना बंद कर देगा क्यों क्योंकि क्लोथ ऑक्सीजन से उसका कांटेक्ट कट कर देता है जब आप आओगे ऑफलाइन तब मैं बताऊंगी मेरे पास वो ब्लैंकेट है ओके और एक्सट्रिंग यूजर की बॉटल भी है तो आप आओगे तो दोनों हम आपको बताएंगे

फायर उसको हो गई तो उसके कपड़े पे आग लग गई तो क्या करना है सिंपली कोई भी ब्लैंकेट लेके उनको कवर कर देना है इससे क्या होगा ब्लैंकेट दी बर्निंग स्टॉप तो इससे बर्निंग स्टॉप हो जाएगी पता चला आपको तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आग लगे तो ये छोटी छोटी चीजें हमें पता हो तो एटलीस्ट कुछ तो हम करें ताकि ये आग ज्यादा ना फैले ओके okay? तो आज के लिए इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में टिल देट टाटा बाय बाय